हेलो फ्रेंड्स, मैं हर स्वागत करता हूं आपका आपको यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो SSGT के मेडिकल समाप्त हो चुके हैं, बस सबको अब इंतज़ार है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, बस सबको इसी दिन का आप इंतज़ार है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि SSGT 2023 यानी जो 22 की भर्ती है, जो आपका 23 में एग्जाम हुआ है, इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा विद प्रूफ के साथ। मैं पिछली दो वैकेंसी को कंपेयर भी करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि उसमें कितने कितने दिन का गैप लग रहा था और यहाँ पर वो गैप वो किस रेशियो में चल रहा है, बिल्कुल समझ लो एक्यूरेट बैठ रहा है। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, आप समझ सकते हैं। 2018 का भी डाटा इकट्ठा करना, 2021 का डाटा इकट्ठा करना और ये तो 22 वाली वैकेंसी में तो मैं अपीयर हुआ था, इसको तो मैंने आसानी से इसको ढूंढ लिया, लेकिन जो 18 और 21 का डाटा ढूंढने में आपको ही बताओ होगा कि आपको इसमें बहुत टाइम लग गया होगा। तो इस थोड़ा टाइम लगा है तो आप लोग थोड़ा कॉर्पोरेट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों साथ जो भी SSGT का एग्जाम दिए हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि SSGT से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको चैनल पर बिल्कुल रियल मिलेगी और बिल्कुल सटीक मिलेगी और बिल्कुल पहले मिलेगी। तो वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत ही टाइम लग गया और बहुत ही सटीकता के साथ मैंने वीडियो बनाया और मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताऊँगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि जो मैंने देखो इसको भी तैयार किया है मैंने, अभी मैं आपको इसको मैं बिल्कुल एक डिटेल वाइज में दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको इसमें कितने दिन का गैप आया बिल्कुल मैं आपको एक्यूरेट में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं मैं तीन वैकेंसी को कंपेयर करने वाला हूँ इसमें, जो आपकी 18 में वैकेंसी हुई थी और जो 21 वाली और 22 वाली जो अपीयरिंग में चल रही, मैं इसको आपको कंपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि CBT एग्जाम जो 18 वाला था, पहले तो मैं 18 और 21 को बिल्कुल एक्यूरेट कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। जो आपका CBT जो एग्ज़ाम 2018 वाला था वो फरवरी 2019 में हुआ था, 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2019 तक। तो ये आपका वही जो आपका एग्ज़ाम चला था वही 30 डे के अप्रॉक्स में आपका एग्जाम चला था, बिल्कुल एक्यूरेट मत आप कहिएगा कि मैथ गलत जोड़ रहे हो तो मैं 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम चला था वही अप्रॉक्स में 30 दिन चला था। और जो आपका ये SSGT 21 वाला एग्ज़ाम था ये भी 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच चला था, ये भी आपका वही अप्रॉक्स में 30 दिन के एग्ज़ाम चला था। और जो आपका CBT ये आपका जो थर्ड वाला 2022 वाला है ये भी आप देखेंगे अप्रॉक्स में वही 30 से 33 दिन के अप्रॉक्स में आपका एग्ज़ाम चला था। तो ये आप देख सकते हैं कि सबका जो एग्ज़ाम है मिनिमम इतने दिन में समाप्त हुआ देखा जाए तो SSGT 2021 वाला, क्योंकि वैकेंसी मतलब कम ज़्यादा मतलब नहीं था, फॉर्म तो सब में एक्यूरेट बराबर ही बराबर थे, जबकि 21 वाले 22 वाले में तो फॉर्म आपके कम ही पड़े थे। तो टोटल आपका देख सकते हैं कि एक महीने के आसपास आपका एग्ज़ाम चला था, ये आपका इतना एग्ज़ाम का हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं कि CBT का रिजल्ट ये 18 वाले में कितने दिन बाद आया था और 21 वाले कितने दिन बाद आया था और 2022 वाले में कितने दिन बाद आया। तो आप देख सकते हैं जो CBT रिजल्ट 2018 वाला था ये आपका रिजल्ट अगर आप इसमें मैंने पहले से कर लिया तो वही अप्रॉक्स में 100 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था। कितने दिन बाद आया था रिजल्ट आपका, ये आपका रिजल्ट 100 दिन के बाद आया था। और वही जो 2021 वाली भर्ती इसका जो रिजल्ट आया था वो भी वही 100 दिन के बाद अप्रॉक्स में आया था, 100 दिन के अप्रॉक्स थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट मत कहिएगा 16 मतलब ये आप बिल्कुल कैसे करें। तो ये अप्रॉक्स में आप इसको देख सकते हैं ये भी 100 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था। और वही बात कर लेते हैं आपका जो 2022 वाली भर्ती है इसका रिजल्ट आया ओनली 55 दिन में, सबको शॉकिंग दिया था कि अरे इतने रिजल्ट कैसे आ गया, लेकिन आपका रिजल्ट कितने बाद आया गया था 55 दिन के बाद रिजल्ट आया। आप वही देख सकते हैं वही रेशियो जो इसका चल रहा है वो हाफ रेशियो चल रहा था, यानी इधर का काम जो हाफ दिन में हो गया। उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ जो 2018 के CBT रिजल्ट आने के बाद जो आपकी रेस हुई थी वो आपकी हुई थी वही 55 दिन के बाद, कितने दिन बाद आपकी रेस हुई थी आप वही अप्रॉक्स में देखेंगे आपके 55 दिन के बाद ये रेस स्टार्ट हो गई थी। और वही बात कर लेते हैं इसकी जो आपका 2022 21 वाली भर्ती थी इसमें भी आपका जो रिजल्ट आया था वही 55 दिन के अप्रॉक्स में आपका आ गया था, ये भी रिजल्ट आप देख सकते हैं अप्रॉक्स में 55 दिन के बाद आपका रिजल्ट ये भी आ गया था। और बात कर लेते यही जो आपका CBT रिजल्ट जो 22 वाला है इसमें आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 22 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। तो रेस की डेट तो पहले आ गई थी, रिजल्ट आने से पहले डेट दे गई थी, लेकिन सिर्फ रिजल्ट आपको जो आया था 8 अप्रैल में, रिजल्ट की डेट से आपको बता रहा हूँ कि रेस 20 दिन में आपका रेस हो गई, लेकिन वो लोग रेस तो पहले बता दिए थे कि आपकी रेस इस दिन से स्टार्ट होने वाली, आप लोग तैयारी बिल्कुल अपनी बरकरार रखिए। लेकिन देखिए यहाँ भी आपका 1:2 सिस्टम चल रहा है कि यहाँ 8 दिन में आपका हो गया। उसके बाद आपका रेस जो आपकी चली थी जो आपका 2018 में आपकी जो रेस चली थी वही आप इसमें करेंगे तो वही 50 से 52 दिन के अप्रॉक्स में आपकी यहाँ क्या चली थी रेस चली थी 50 से 52 दिन के अप्रॉक्स जो रेस चली थी वो चली थी 52 दिन के अप्रॉक्स चली थी। और वही बात कर लेते जो इधर आपकी रेस चली थी 18 मई से 9 जून 2023 तो आप देखेंगे वही मई जून वही 20 दिन के अप्रॉक्स में। अब आप कहेंगे यहाँ इतना टाइम क्यों कम लगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आपकी थी ओनली आधी, कितनी आधी थी आप इस जो वैकेंसी इस बार आई है उससे ओनली आधी वैकेंसी थी, 25,000 आसपास वैकेंसी थी, इसमें 50,000 के आसपास हैं और इसमें 50,000 के आसपास वैकेंसी आपकी हैं, तो इसमें वैकेंसी कम है इसीलिए आपका मतलब कम होने की वजह से
रेस इन्होंने 20 दिन में इसकी समाप्त करा दी थी। अब बात कर ले तो 22 वाली जो रेस है ये आपकी ऑनली समाप्त करा ली गई 14 दिनों में। कितने समाप्त करा ली गई 14 दिन, क्योंकि सेंटर ज़्यादा बनाए गए होंगे और वैकेंसी 50,000 थी, लेकिन बच्चे 8 गुना ही बुलाए गए थे, इसलिए उन्होंने रेस के दिन समाप्त कर ली थी, 14 दिन में इसकी समाप्त कर ली थी। अब बात कर लेते हैं कि रेस का रिजल्ट कौन सा कितने दिन बाद आया था। 2018 जो वैकेंसी है उसका जो रेस का रिजल्ट आया था यानी वो 17 दिसंबर को आया था। कब आया था आपका 17 दिसंबर को आपका रेस का जो रिजल्ट आया था वही आप देख सकते हैं रेस होने के वही 70 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था। कितने दिन बाद आया था आपका 70 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था। जबकि 2021 वाली वैकेंसी की जो बात करें तो वही ये 60 दिन के बाद आया था। कितने दिन बाद रिजल्ट आया था 60 दिन के बाद आया था। अब बात कर लेते हैं वही जो आपका जो अपीयरिंग भर्ती जिसमें आप लोग हैं 21वें प्रेजेंट में, जिसमें आपका वही 45 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था। लेकिन यहाँ देख सकते हैं जो रेशियो थोड़ा है ये अब आपका 2:3 वाला सिस्टम बन गया है, जो 3:4 का रेशियो यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर आधा नहीं हुआ, यहाँ आपका 45 दिन का समय लगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं रेस के कितने दिन बाद आपका DME हुआ था 18 वाली भर्ती में। तो आप जो ये जो रेस हो गई थी उसके बाद जो आपका DME हुआ था तो उसके रेस रिजल्ट आने के बाद आपके 20 दिन के बाद यहाँ पे DME स्टार्ट करा लिया गया था। और जो 21 वाली भर्ती है इसमें भी आपका वही 1 महीने के बाद आपका DME जो है वही 30 दिन का आपको स्टार्ट कर लिया गया था। और बात कर लेते हैं जिसमें अपीयरिंग का जो भर्ती चल रही है ये आपका 17 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आपका मतलब DME का आपका करा लिया गया। अब बात कर लेते हैं कितने दिन आपका DME चला था तीनों भर्ती में। अब DME जो 2018 वाला था वो आप देख सकते हैं कितने दिन चला है टोटल, तो ये आप देखेंगे जनवरी से फरवरी वही 1 महीने से आपका कुछ ज़्यादा चला है। और ये वाला भी देखेंगे सितंबर से अक्टूबर जो 21 वाला है ये आपका 1 महीने पूरा से थोड़ा कम चला। और बात कर लेते हैं आपका जो प्रेजेंट में DME आप लोग अभी देखे आए हैं ये 17 जुलाई से 5 अगस्त यानी वही अप्रॉक्स में 20 दिन के अप्रॉक्स में आपका ऑनली डेला DME इन्होंने समाप्त कर लिया। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो 2018 की वैकेंसी थी जो 18 की वैकेंसी थी उसमें DME के तुरंत बाद RME नहीं मिल रहा था। क्या DME के तुरंत बाद RME नहीं मिल रहा था? और हम लोग उसे आपने की देखा होगा कि आज आपका डिटेल हुआ अगर कोई पॉइंट है तो अगले दिन आपका रिमेडिकल हो जा रहा है या उससे अगले दिन आपका रिमेडिकल हो जा रहा है। लेकिन जो 18 वाली वैकेंसी थी उसमें आपको 4 से 5 महीने का समय मिलता था, भाई 3 महीने के आसपास ज़्यादा समय नहीं मिलता था, भाई 2-3 महीने आसपास मिल जाता था। लेकिन अब ये समय ऐसा था यहाँ पर चल गया आपका कोविड, क्या चला था ये DME के टाइम के बाद आपका आ गया यहाँ पे कोविड भाई साहब। तो कोविड बाबा जैसे ही आए सब कुछ काम बिगाड़ दिया, तो ये थोड़ा शेड्यूल यहाँ पर इनका बिगड़ गया RME कराने का, तो ये RME इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं जो 21 वाला हुआ था उसका RME तो जैसे इस बार चल रहा वैसे ही उनका भी RME चल रहा था, जिस दिन मेडिकल उसके अगले दिन है उसके अगले दिन उनको क्या कर लेते हैं RME करा ले रहे थे। अब ऐसा ही हाल इस बार है, तो इस बार भी आपको पता होगा RME नेक्स्ट डे आपका हो जा रहा है। अब ये बात कर लेते हैं कि DME और RME होने के कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आया था। सबसे पहले 18 की बात करें तो आप लोग यहाँ से मत देखिएगा रिजल्ट DME की बात, क्योंकि वहाँ RME इतने दिन बाद हुआ था, तो मैं RME को लेकर बता रहा हूँ कि वहाँ देखिए लास्ट जो RME हुआ था वो 10 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 10 नवंबर को लास्ट RME हुआ था। आप देख सकते हैं RME के 70 दिन बाद, कितने दिन बाद आपका वही नवंबर से चलेंगे दिसंबर जनवरी 70 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया था SSCT 2018 का। अब बात कर लेते हैं जो 21 का था इसमें RME तो उसी टाइम हो जा रहा था एक दो दिन के अंदर ही, तो 4 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच अगर आप देखेंगे तो वही आपका 30 से 34 दिन बाद आपका क्या आया था फाइनल रिजल्ट आया था। लेकिन क्या आप देखेगा इस वाली भर्ती में भी इतना टाइम लेगा? क्योंकि ये वाली भर्ती आपको पता होगा मिशन मोड के नाम पे चली है भर्ती, तो ये भर्ती कराने में थोड़ा सा टाइम तो कम लेंगे पीछे की अपेक्षा। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान कहता है और जो मतलब पीछे एग्जाम मैंने देखा है, आपको पता होगा मेरा भाई प्रेजेंट में SSM में सिलेक्टेड है, तो उसके अनुसार भी मुझे कुछ बताया गया कि इतनी जल्दी कुछ नहीं तैयार सकता है। लेकिन मैं जो मेरे अनुसार इतना कम से कम तो टाइम लग जाएगा, चाहे वो जितना जल्दी कर लें तो भाई 20 से 25 दिन तो रिजल्ट बनाने में कम से कम लगेंगे, इससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि बहुत इसको मिशन मोड में कराने के प्लान में है। तो 20 से 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, 95% आपके चांस है। तो वही बात कर लेते हैं रिमेडिकल तो आपको समाप्त हो गया, बात करें फाइनल रिजल्ट की तो 5 अगस्त को आपका फाइनल मतलब DME हो गया जो लास्ट DME था। तो अगर 20 से 25 दिन के बाद देखें तो वही आप कह सकते हैं अगस्त के लास्ट में, क्या अगस्त के लास्ट में आप कह सकते हैं कि या तो लास्ट अगस्त में आएगा जाके आपका फाइनल रिजल्ट, या तो आपका सितंबर के फर्स्ट में आ जाएगा आपका
रिजल्ट। आपको ये देख सकते हैं कि 20 से 25 दिन का टाइम कम से कम लिया जाएगा, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट इस बार का है वो आप इतना कह सकते हैं कि लास्ट अगस्त में मुझे चांस कम लग रहा है, लेकिन आ जाएगा लास्ट अगस्त तक, तो वही 25 तारीख के आसपास दे देंगे, नहीं वहाँ पर देंगे तो सितंबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। अब ये आप बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग, और उसको आप बात करेंगे टोटल कितना कितना टाइम लग गया सारी भर्तियों को कराने में। तो अब आप जो फाइनल रिजल्ट 2018 का था उसके कितने दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो आप देख सकते थे 21 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था और उससे वही एक महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो सारी फोर्सों की जो ज्वाइनिंग है वो आपको पता होगा कि एक साथ नहीं होती, वो अलग अलग वो डेट दे देते हैं कि दादा सी आई सब पहले करा ले, बी एस एफ बाद में कराए, दो महीने बाद कराए, एक महीने बाद कराए, कोई 10 दिन बाद करा दे, तो इस हिसाब से आपका होता है। जैसे कि अब इस बार जो आपका जो 21 वाली वैकेंसी थी इसमें आपका 8 नवंबर को आया था फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपकी नवंबर दिसंबर तक चल रही थी। इसमें सबसे पहले आपको जो ज्वाइनिंग हुई थी वो SSF की हुई थी, SSF की ज्वाइनिंग वो 22 नवंबर से हो गई थी। आप देख सकते हैं वही 15 दिन बाद से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी रिजल्ट आने के बाद। आप इस बार का नहीं कह सकते हैं कि वो सबसे पहले कौन सी फोर्स ज्वाइन करेगी, तो ये अब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सितंबर के लास्ट तक ज्वाइनिंग देखने को मेरे अनुसार मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा मिशन मोड का नाम दिया गया इस भर्ती को, नेक्स्ट वैकेंसी भी देने के लोग प्लान में है, तो सितंबर के लास्ट तक आपको इस बार की ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं ये टोटल आपने आपके सामने मैंने 3 साल का प्रेडिक्शन रख दिया, जो जो मुझे समझ में आया था मेरे अनुसार ये बिल्कुल रियल है जो मैंने बताया, अब इससे ज़्यादा आपको डेट नहीं लगने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उनको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय।